हम हर चीज में धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमारे यहाँ राशन आता है, उठाए और पकने लगे, आई चीज उठाई और खाने लगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। हमें जो सैलरी मिलती है कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के तीसरे खंड में है जहां परमेश्वर का सिंहासन और सात मोहर बंद पुस्तक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 4:6-8 तक के पद के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:9-11 पद तक के विषय में जो है हम सीखेंगे। आइए पहले इनको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 4:9-11। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अब यहां जो है, यहां इन बातों को समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अब ये जो बात जो कही जा रही है क्या है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानो युग जीवता और महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, कौन? वो चारों प्राणी जो हैं। किसका धन्यवाद हो रहा है? जो सिंहासन पर बैठा है। अब हम लोग बहुत समय से प्रकाशित वाक्य 4 को शुरू से, मतलब उस सिंहासन पर जो बैठा है उसकी बात करते आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो शीर्षक दिया गया है परमेश्वर का सिंहासन और सात मोहर बंद पुस्तक, यानी परमेश्वर के सिंहासन पर जो बैठा है, जो मेमना बैठा है, जो यीशु मसीह है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बारे में जो है इसका वर्णन जो है वो दिया गया है कि वो जो बैठा है। अब यहां पर जो सिंहासन पर बैठा है, समझने वाली बात है कि वो युगान युग तक जीवित है, वो युगान युग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो मरने वाला या मिटने वाला या समाप्त होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं है कि आज हमारा, हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए। उसके पास जो है वो युगान युग तक जीवित और बना रहने वाला परमेश्वर है। ये बात जो है उन चारों प्राणियों के द्वारा जो है स्पष्ट की गई है और लिखा हुआ है। वही जो सिंहासन पर बैठा है, तीन बातें हैं, वही जो सिंहासन पर बैठा है महिमा आदर और धन्यवाद के योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि महिमा जो है उसकी कब होनी चाहिए? हम लोग कब उसकी महिमा करते हैं या किस समय करते हैं? सही माने में देखा जाए, हम कहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये वो चारों प्राणी क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है, जो सिंहासन पर बैठा है, उसकी महिमा होनी चाहिए। हम उसका महिमा करें, उसका आदर करें। क्या उसका आदर कहाँ होता है? वो कहता है ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर का जो है वो आदर करना है, यीशु मसीह का आदर करना, उसकी महिमा करनी है। मगर कैसे उसकी महिमा होती है, किस तरीके से होती है, पता ही नहीं। उसकी महिमा है क्या, ये नहीं पता। उसका आदर क्या है, प्रभु तू तेरा आदर करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु तू महिमा की हो गए, हफ्ते में एक बार आ गए, या कभी जब कोई जरूरत हुई तब उसके पास बैठ गए, या नहीं भी जरूरत हुई कि चलो आज यार बाइबल पढ़ ली जाए, आज प्रार्थना कर ली जाए तो कर ली। ये सारी चीजें जो होती हैं प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं। वो कहता है कि ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन इनका मुझसे दूर होता है। वो कहता है मन से आदर होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा जो है निरंतर होनी चाहिए। हमें अपने कामों के अलावा हमारे ये काम भी निर्धारित होने चाहिए कि हम परमेश्वर की, यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसका आदर करें और उसका धन्यवाद करें। अब उसका धन्यवाद क्या, हर समय जो है, चाहे बात दुख की हो, चाहे सुख की हो, चाहे किसी भी चीज की, अगर हम उसमें हैं तो उसका हर बात में धन्यवाद करें। मगर हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं, हम हर चीज में धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमारे यहाँ राशन आता है, उठाए और पकने लगे, आई चीज उठाई और खाने लगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं।
हमें जो सैलरी मिलती है कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, हमें जो परमेश्वर जीवन देता है उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये चारों प्राणी जो है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं। फिर दसवें पद में लिखा है, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। यानी ये जो 2400 प्राचीनों के बारे में हमने बातचीत करी थी, पिछले संदेश में भी आपने देखा था कि हमने 24 प्राचीन कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या इनका रोल है, वो सब कुछ हमने सीखा था। परंतु अब क्या होता है, जब ये चारों प्राणी ये बताते हैं कि वो महिमा आदर और धन्यवाद के योग है, तो ये जो 24 प्राचीन ये उसके सामने गिर पड़ते हैं। अब देखिए, राजा तो ये भी है और बैठे उसके साथ में ही हैं, जो सिंहासन पर बैठा है उसके साथ में ही इनके सिंहासन लगे हुए हैं और ये उनके साथ ही बैठे हुए हैं 24। परंतु जब ये इस बात को ये सुनते हैं तो ये मान लेते हैं कि हां, ये महिमा के योग्य है, ये आदर के योग्य है और ये धन्यवाद के योग्य है, और वो उसको गिरकर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हां, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तू ही वो परमेश्वर है जिसकी महिमा होती है और हमारे जीवन से होनी चाहिए, तू ही वो परमेश्वर है जिसका आदर होता है और जिसका आदर हमारे जीवन से हमेशा होते रहना चाहिए, तू ही धन्यवाद का रूपी परमेश्वर है जिसका धन्यवाद हमेशा चढ़ाना चाहिए और उसका धन्यवादी भेंट चढ़ानी चाहिए और धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। ये जो है ये, और यही नहीं है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बड़ा ध्यान देने की बात है। वो उसके सामने गिर पड़े और क्या कहते हैं, और जो युगानुयुग जीवता है उसको प्रणाम करेंगे, यानी दंडवत करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मुकुट डालने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब एक राजा को जब मुकुट बनाया जाता है तो इसका मतलब उसको अधिकार दिया जाता है कि तू इस राज का अधिकार है। मगर वो जो राजा उसके साथ में बैठे हैं तो वो अपना मुकुट इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं, अधिकार तो तेरा है, तूने ये अधिकार हमें दिया है, तूने ये अधिकार हमें दिया है कि हम तेरे साथ राज्य करते हैं। प्रभु कहता है ना कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ बने रहते हैं, वो मेरे साथ परमेश्वर के राज में मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में लौदीकिया कलीसिया के बारे में, वो कहता है मेरे परमेश्वर के सिंहासन पर मेरे साथ बैठकर वो राज करेंगे। मगर यहां पर वो कहते हैं, राज तो प्रभु तेरा है, राज करने वाला तो तू है, राजाओं का राजा तो तू है, तूने हमें राजा तो बनाया है, तूने मुकुट धर के हमें राजा की उपाधि दी है, तूने मुकुट धर कर हमारे सर के ऊपर हमें राज का अधिकारी तो बनाया है, परंतु तू हमारा राजा तो तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही हम पे प्रभुता करता है। और क्या है, अपना मुकुट ये कहते हुए डालेंगे। आप कहेंगे क्या, हे हमारे परमेश्वर प्रभु, और लिखा है हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। अब देखिए वही बात क्या कह रहे हैं, जो चारों प्राणी ने करी है, मगर यहां पर आया है हे हमारे प्रभु। प्रभु का मतलब हे हमारे प्रभु, तू हे हमारे हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू क्या है, तू ही महिमा के योग है और कोई महिमा के योग नहीं है। हम इस योग नहीं है कि सिंहासन पर बैठकर हमारी महिमा हो, हम तो खुद तेरी महिमा करने के लिए तुझे दंडवत करते हैं। और फिर क्या लिखा है, तेरा आदर करते हैं, तू ही आदर के योग है, हम आदर के योग नहीं है और सामर्थ के योग है। यानी सामर्थ के, यानी परमेश्वर की जो सामर्थ है वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलकर हम तक पहुंची है। वो इस बात को कहकर उसको दंडवत करते हैं और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब आप कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 16-17 पद पढ़ोगे तो वहां पर जो है इस बात का वर्णन है कि सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में सृजी गई। किसमें, प्रभु यीशु मसीह में। यानी जितनी भी वस्तुओं की सृष्टि हुई है परमेश्वर ने करी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई।
हम जितने लोग भी बनाए गए हैं, सिर्जे गए हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए गए। यहां पर ये 24 प्राचीन इस बात को बताते हैं कि हम सब तेरे लिए और तेरी महिमा के लिए सिर्जे गए हैं, तेरे आदर के लिए, तेरे सामर्थ के कामों के लिए, तेरे धन्यवाद के लिए सिर्जे गए हैं हे प्रभु, इसलिए हम अपने आप को तेरे अधीन सौंपते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आदर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के काम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के को निरंतर धन्यवाद देने के लिए सिर्जे गए हैं। तो आइए हम अपने आप को उसके अधीन करें और कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, हम सबको अपने अधीन ले लें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हो, तेरे सामर्थ के काम हो और तुझे धन्यवाद की भेंट हमेशा हम चढ़ाते रहें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।